आपके YouTube चैनल ए के वर्मा में। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, जिसके बारे में बापू ने बहुत पहले ही ये चीज़ कह रखी थी और उसके परिणाम आज हम लोग साक्षात देख रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से हमें दिख रहा है कि हम लोग एक महामारी से जूझ रहे हैं और उससे उभरने के लिए जो बड़े बड़े विकसित विकासशील देश हैं वो उन सबके हाथ फूले हैं। इस समय बापू ने कहा था कि प्रकृति में इतनी ताकत होती है कि वह हर मनुष्य की जरूरत को पूरा कर सकती है, लेकिन पृथ्वी कभी भी मनुष्य के लालच को पूरा नहीं कर सकती। तो बापू ने बहुत पहले ये अनुमान लगा लिया था कि व्यक्ति क्या है कि लालची बहुत होता है। अब जैसे जरूरत है एक पेड़ की तो वही काट लिया, फिर कुछ हुआ फिर उसने काट लिया, तो ये लालच। और दूसरा क्या कि उसके परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति को दूसरे पेड़ पौधे लगाने चाहिए तो वो कहीं कुछ नहीं करता है। तो 22 अप्रैल के दिन इसी आधार पर ये मनाया जाता है कि लोगों को अवेयर करें कि पेड़ पौधे और पृथ्वी की सुरक्षा हमें कैसे करनी है। तो उसको क्या है, स्थापना इसकी हुई थी अमेरिकी सेनेटर गेलार्ड नेल्सन ने पर्यावरण शिक्षा के रूप में 1970 से ही प्रारंभ किया था। इसमें लगभग दुनिया के 195 देश भाग लेते हैं और जो गेलार्ड नेल्सन थे उन्हें फादर ऑफ द डे कहा जाता है। आज की तारीख में उत्तरी गोलार्ध में वसंत का मौसम और दक्षिणी गोलार्ध में शरद का मौसम होता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए यह आयोजन किया जाता है। पहले पृथ्वी जो दिवस मनाया गया था उसमें लगभग अमेरिका के 20 मिलियन लोगों ने भाग लिया था, जिसमें हर वर्ग का व्यक्ति था। दोस्तों, क्यों मनाया जाता है पृथ्वी दिवस? लोगों के पर्यावरण के प्रति प्रेम, लगाव, जागरूकता फैलाना, पर्यावरण प्रेम, प्रबुद्ध समाज, स्वैच्छिक संगठन, साथों समुद्र में तेल फैलने जैसी घटनाओं को रोकने, नदियों में फैक्ट्रियों को गंदे पानी जाने से रोकना, पेड़ों के कटाव को रोकना। साथियों, पर्यावरण नष्ट करने वाले कारकों में सबसे अहम है पॉलीथीन। भारत के दुनिया के कई देशों में पॉलीथीन पर बैन तो लगा दिया है, लेकिन लोग नहीं मानते। जब तक लोग स्वयं से जागरूक नहीं होंगे कहीं कोई सुधार नहीं होने वाला है। आप घर से जाइए, कुछ भी लेना है सामान तो आप झूला लेके जाइए। कागज के जो पॉलीबैग्स बन रहे हैं उनका उपयोग करिए, क्यों पॉलीथीन जो है ना सबसे घातक है, फिर भी हम क्या करते हैं, घरों से खाली हाथ ही निकलते हैं। तो उसी पे 2020 की जो है क्लाइमेट, उसकी जो थीम है वो है हमारी क्लाइमेट एक्शन। साथियों, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, नदियों तालाबों को शुद्ध रखना चाहिए। ये हमारे जीवन के अहम हिस्से हैं जिनसे हमारा जीवन चल रहा है। इन्हीं सब की छेड़छाड़ के परिणाम आज ये स्थिति बन आ गई है कि हम लोग सब कुछ व्यापार बंद करके, अपनी शिक्षा, स्कूल, कॉलेज सब बंद करके घरों में बैठे हुए हैं। 2020 जो है ना पहले पृथ्वी दिवस की 50वीं वर्षगांठ है, क्योंकि 1970 में स्टार्ट हुआ था। दोस्तों, मैं सुझाव देना चाहूँगा कि हमें अपने पृथ्वी को बचाने के लिए बहुत सी जो दुरुपयोग चीज़ें हैं उनको नहीं करना चाहिए। उसमें हमें क्या करना है, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। इसमें क्या है, मोदी जी ने जैसे देश के प्रधानमंत्री काफ़ी अहम रोल कर रहे हैं, अदा कर रहे हैं इस समय देश को बचाने में। उन्होंने बहुत पहले ये चीज़ चलाई है कि उसमें लोग सीख भी रहे हैं और काफ़ी सुधार भी हो रहा है। तो हम लोगों को क्या है, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये कि जनसंख्या वृद्धि पर कहीं ना कहीं खुद से लोगों से सोचना चाहिए और सरकार तो अपना प्रयास कर रही है। प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा रोल है, उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में उपयोग करना चाहिए। और खाने की बर्बादी बिल्कुल ना करें दोस्तों। आजकल देखा जाता है कि लोग घरों में, मैं देखता हूँ, कूड़ों फेंक देते हैं होटल्स में और शादियों में तो बिल्कुल अनर्गल बर्बादी होती है। तो दोस्तों, उस पर ध्यान दीजिए आप लोग। तो कुछ लाने हैं, धरा नहीं होगी तो सब धरा का धरा रह जाएगा, जब जब पक्षी खतरे में होंगे तो मानव भी खतरे से दूर नहीं होगा। पृथ्वी हमारी माता है, ये हमारा इतिहास बताता है। पृथ्वी को तुम बंजर ना बनाओ,
हर जगह कूड़ा कचरा ना फैलाओ। दोस्तों ये बातें ध्यान रखनी चाहिए आप सबको, हम सबको, तो इससे क्या होगा, हम स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और अपने देश में, देश के कल्याण में अपना भाग देंगे। आने वाली पीढ़ी है प्यारी, तो पृथ्वी को बचाना है हमारी जिम्मेदारी। थैंक यू दोस्तों, आप सभी को आज की पृथ्वी दिवस की शुभकामनाएं। साथियों साथ में आपको बताना चाहूँगा कोरोना का क्या आज चल रहा है। तो कन्फर्म केसेस 20,272 के प्लस हो चुके हैं, जिसमें एक्टिव है 15,640, रिकवर 4,000 समथिंग हो गए हैं। दोस्तों देश के जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो अपना बहुत अहम योगदान दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं चीज़ों को, घर से बाहर निकल आते हैं, फालतू में यहाँ वहाँ घूमते हैं, फिर पुलिस उन पर उस तरह दंडिक कार्रवाई करती है। तो दोस्तों खुद समझिए आप, ये आपके लिए ना कि उनके लिए, वो तो अपने घर परिवार बीवी बच्चों को सबको छोड़ के बैठे हुए हैं। साथ ही डेथ का आंकड़ा 650 पार कर चुका है। इसी के साथ में एक दिल्ली में RML हॉस्पिटल की न्यूज़ अभी देखी गई है, तो मैं उन डॉक्टर्स को नमन करता हूँ। एक महिला की डिलीवरी होनी थी, डॉक्टरों ने डिलीवरी की, बाद में चेकअप हुआ तो महिला कोरोना से पॉजिटिव थी, बच्चा हुआ वो भी पॉजिटिव। अब उसकी डिलीवरी में 5 से 7 जो भी डॉक्टर्स लगे वो सब पॉजिटिव हो गए। अब आप ये सोचिए कि वो कितने डॉक्टर्स जो किसी और का इलाज करते तो उनका भी अब इलाज हो रहा है, तो वो लोग अब ऐसे क्वारंटीन हो गए। तो आप लोग समझिए कि अगर ये हालात अगर थोड़े और बढ़ गए तो हम लोगों का इलाज करने वाला कोई नहीं होगा, बहुत बुरी स्थिति होगी। इसलिए आप प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिए, घर में रहिए, बाहर मत जाइए। थैंक यू सो मच।